तो फ्रेंड्स, आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। अभी शाम के बज रहे हैं 3:30। मैं जा रही हूँ अपने डांस क्लास, क्योंकि वेडनेसडे और फ्राइडे मेरा डांस क्लास होता है। लाडो के साथ जा रही हूँ, क्योंकि उसको देखने वाला घर पे कोई नहीं है, तो मजबूरी है इसको लेके जाना। और आज मेरे दोनों चैनल से पेमेंट आ चुका है। दोनों चैनल से जो मेल आया है ना, वो अलग अलग टाइम पर आया, तो मैं बहुत डर गई थी। लगभग 7:16 में मेरे ब्लॉग चैनल, जो ये चैनल है, इसका मेरा पहला पेमेंट का मेल आया, और सेकेंड जो चैनल है उससे भी सैलरी आई है, उसका मेल आया है 11:11। तो दोनों एक ही दिन आया दोनों चैनल से, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो मैं बहुत डर गई थी जब 7:16 में पहले चैनल के लिए मेल आया ना कि पेमेंट आ गया है, तो मैं सोची थी कि मेरा वो दूसरा चैनल के लिए क्यों नहीं अभी तक मेल आया, उसका भी तो पेमेंट रिलीज होना चाहिए था। बहुत डर गई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं मेल आया। लेकिन जब 11:30 मैं देखी कि 11:11 मेल आ चुका है, तब जा करके थोड़ा सा राहत मिला, क्योंकि इतना मेहनत कर रही हूँ और सैलरी नहीं मिलेगी तो बहुत बुरा लगता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको कहनी है, लेकिन मैं डांस क्लास से होते हुए आती हूँ, और बेटी का भी छुट्टी होगा 5:30, सबको ले करके आती हूँ। ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर मैं डिटेल से आगे इस बारे में आप लोगों से बात करती हूँ। लाडो किधर भाग गई? चलो 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 चलो, लिफ्ट आ गई, छूना नहीं लिफ्ट को। ओके चलो, बज गया है, अभी डांस क्लास चालू ही है, लेकिन मुझे ना हड़बड़ी में निकलना पड़ा, क्योंकि आधा घंटा लग जाएगा आधे के स्कूल पहुंचने में, और 5:30 उसके स्कूल से छुट्टी होती है, तो यही हड़बड़ हड़बड़ होता है। इनको स्कूल से ले लिए हैं, लेकिन ये लाडो सो गई है। हाँ, तो मेरा टेस्ट लुक किसी को भूलते ही नहीं। देखो लाडो सो गई, सो गोदी में ले करके हम कब से चलते चलते आ रहे हैं, बहुत देर से गोदी लिए हैं। कभी मेरे चेहरे में पसीना देखे हैं? आज ही लग रहा है पसीना निकल रहा है, मेरी तो वाट लग रही है लाडो को गोदी ले करके। लाडो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है, और शाम के बज रहे हैं 6:25, जबकि 6 बजे से लाडो का ट्यूशन है, और ट्यूशन टीचर बोली है कि लाडो को जल्दी से भेजिए। आदि जाकर के बोल दिया था कि टीचर लाडो तो सो रही है तो वो लेट से आएगी, मैं अभी उसको उठाने वाली हूँ, उठा करके कुछ खिला करके ही ट्यूशन भेजूंगी, क्योंकि इसका ट्यूशन जो है ना 2 घंटे का, 6 से 8 है, तो 7 बजे भी जाएगी तो एटलीस्ट 1 घंटा पड़ेगी। मैं इसको सोने दी है, सुबह से उठी हुई है, और आपको एक बात बता दूँ, पूरा दिन लाइट घर में नहीं था, इसलिए पूरा दिन का मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। आप लाडो को देख रहे ना, ये नहीं गई ट्यूशन, कहती मम्मी मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, टीचर हमको मारती है डांटती है, ऐसे ही बोली थी, जबकि इसको आज तक घर से बाहर कोई भी इसको डांटा तक नहीं है। मारना तो दूर की बात है, कभी नहीं किसी को, हम लोग हक ही नहीं दिए कि कोई हमारे बच्चे को कोई डांट भी लगा सके, ख़ासतौर पे लाडो को, जो इतनी क्यूट है। आप लोग पूरे ब्लॉग में इसको देखते ही हैं, और सोचिए ये सिर्फ 2 या 3 दिन ही ट्यूशन गई, सिर्फ 3 दिन गई है, और पता चल रहा है कि ये दूसरे दिन से ही डांट सुन रही है, और तीसरे दिन तो ये मार भी खाई है, ऐसा ही बोल रही, क्योंकि हम बोले कि बताओ तो कैसे मारी है, तो ये मुझे बताई कि वो किस तरह से मारी थी, और बहुत रो रही थी। तो मैं फिर ट्यूशन टीचर को कॉल की, मैं उनको बोली कि ये नहीं आना चाह रही, बहुत रो रही है, डर रही है आपके पास आने से, कह रही कि वो ट्यूशन नहीं जाना है, वो डांटती है। तो ट्यूशन टीचर बोले कि हाँ, यहाँ पे बहुत मस्ती करती है, घूमते रहती है इधर से उधर गोल गोल, और किसी को पढ़ने भी नहीं देती है, तो इसके बैच में सिर्फ छोटे छोटे बच्चे ही हैं, तो ऐसे मस्ती करती रहती है, तो इसको डांट लगाए थे, तो उसको बोले कि चॉकलेट देंगे चलो ट्यूशन, तो वो बोले कि हमको कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, हमको नहीं जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके पापा आएंगे तो फिर देखते क्या। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि अभी तक आदि को हम ट्यूशन नहीं दिए थे, आदि को नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, स्टैंडर्ड 1-2 क्लास हम लोग ही पढ़ाए, कभी ट्यूशन नहीं दिए। फर्स्ट टाइम आदि को स्टैंडर्ड 3 में दिए, क्योंकि मराठी सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी है, मराठी सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ाना नहीं आता, इस वजह से मराठी की वजह से आदि को ट्यूशन दिए पहली बार, वो भी स्टैंडर्ड 3 में। लाडो को इसलिए ट्यूशन देना पड़ा क्योंकि लाडो हम लोग से नहीं पढ़ाई करती, वो बहुत मस्ती सच में करती है, ठीक है मानते हैं मस्ती करती है, थोड़ी सी चुलबुली है, थोड़ी सी नॉटी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बच्चे को तीसरे दिन ही हम मारे डांटे, तो बच्चा क्या ऐसे में ट्यूशन आना चाहेगा, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। वो घर पे हम लोग से पढ़ती भी नहीं, कोशिश भी करती हूँ तो नहीं पढ़ती, लेकिन हाँ स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है,
तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या करना है, या फिर ट्यूशन टीचर ही चेंज करना पड़ेगा जो प्यार से उसको पढ़ाए। कम से कम हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पूरा महीना में अगर ए बी लिखना भी सीख लेना तो काफ़ी है। धीरे धीरे बच्चा डिसिप्लिन सीखेगा ना, एक ही तो नहीं सीखेगा, अभी उसकी उम्र ही क्या है, 3.5 साल की ही तो है, छोटी सी बच्ची। और पूरा दिन ये लाइट नहीं था, बारिश पूरा हुआ है, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मैं पूरा दिन का ब्लॉग नहीं बना पाई, इसीलिए बहुत छोटा सा ब्लॉग है और माइंड भी थोड़ा सा ऑफ है। हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं पेमेंट के बारे में बात करूँगी, क्योंकि पेमेंट जो आया है मेरे हस्बैंड के बैंक में ही आया है, दोनों चैनल का जो लिंक है उनके बैंक से ही लिंक किया हुआ है, और तो बैंक का जो मैसेज है हस्बैंड के पास ही आया होगा, मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता, जब वो आएंगे तब पता चलेगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से बात करते हैं, अभी तो मेरा माइंड अपसेट हो रखा है, क्योंकि मेरी लाडो को डांट मिला, मार मिला, हम सोचे नहीं थे ट्यूशन भेजने का अंजाम ये होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।